मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आश्वासन के बाद व्यापारियों ने हड़ताल को विराम देकर सफेद सोने की खरीदी शुरू की। इसी क्रम में खरगोन जिला व्यापारियों ने भी मंडी पहुंचकर कपास की खरीदी की। आपको बता दें कि मंडी व्यापारी अपनी मूलभूत मांगों को लेकर हड़ताल पर थे, लेकिन आचार संहिता के चलते किसान हित में मुख्यमंत्री के आश्वासन पर व्यापारियों ने खरीदी शुरू की। बुधवार को तकरीबन 50 बैलगाड़ी सहित 150 वाहन मंडी पहुंचे और कपास की नीलामी शुरू हुई। इस दौरान व्यापारियों ने सफेद सोने की खरीदी करते हुए मीडिया को बताया कि मांग को लेकर मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है, जिससे व्यापारी सहित किसान का फायदा होगा। वहीं कपास बिक्री के कम दाम पर कुछ किसानों ने नाराजगी भी जाहिर की। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। कपास मंडी चालू हुई है, क्या भाव मिला आपको? हमको भाव मिला है 3500, कपास सुखा के लाए हैं, उसके बाद 3500 का। संतुष्ट हो? संतुष्ट तो नहीं है, खर्चा इतना लगा है कि संतुष्टि कैसे हो पाएगी 3500 का। क्या भाव मिल रहा था आपको? 4000-5000 मिल रहा था। क्या नाम आपका, कहाँ से है, वो कितनी आवक हुई है और आगे क्या सोच रहे हैं? आवक अभी जो है, आज इसका पहला दिन था, किसानों को इसका जानकारी नहीं है कि आवक आज 100 से 150 वाहन है, 50 बैलगाड़ी है। आवक कम क्यों है? आवक आज पहला दिन है ना, किसानों को पूरी मिला नहीं था कि मंडी चालू होगी। आप लोगों की हड़ताल तो आज बढ़िया खुले 5051 तक कपास देता है। आज आपकी हड़ताल समाप्त हुई, हड़ताल की जो मांग थी उसका मंजूर हो गई? मंजूर हो गए ना, गवर्नमेंट ने कर दिया वो हमारी हड़ताल की मांग। उसी का आज यह है कि भाव ऊँचे किसानों को मिल रहे हैं, इसका फायदा किसान को ही हो रहा है। मुख्यमंत्री को अभी तक क्या भाव मिला? अभी तक भाव मंडी है आखिरी 4200 रुपये तक बिकी थी, आज 5051 रुपये बिक गई। कुछ कहना चाहेंगे इसका? सीधा सीधा श्री कमल जी पटेल को मिलेगा और शिवराज सिंह मुख्यमंत्री जी को मिलेगा। उन्होंने मंडी टैक्स आज 50 पैसे की उनको आश्वासन दिया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।